अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, वो चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी। ठीक है, और हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हमने इसमें ये करना है कि वर्टिसेस ए बी सी ओवर ट्रायंगल आर 2.1, 5.2 एंड 3.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको वर्टिसेस दे दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल के। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं सर्कम सेंटर के। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहा है कि एंड आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा जी, अब करना क्या है हमें सबसे पहले कि देखिए, हमने जो है सर्कम स्क्वायर ट्रायंगल क्रिएट किया, वो कैसे किए, होती क्या है, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक सर्किल जो है, आपके पास कोई भी एक सर्किल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास आउट होकर जाए। ठीक है, सर्किल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास आउट होकर जाए, दैट इज द सर्कमस्क्वायरिंग ट्रायंगल। ठीक है, देखिए जैसे मैंने फिगर में बना कर दिखा भी दिया है आपको, दैट इज द सर्कमस्क्वायरिंग ट्रायंगल, बिकॉज सर्किल पासिंग थ्रू द ऑल वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सर्किल जो है वो आपको पास हो रहा है तमाम लेट ए इज इक्वल टू एक्स वन कोमा वाई वन, जो आपके पास है 2.1। बी जो है वो आपके पास है एक्स टू कोमा वाई टू, और वो आपके पास इक्वल है 5.2। इसी तरीके से सी जो है वो आपके पास है एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, और वो आपके पास इक्वल है 3.4 के। ठीक है, डिटरमाइन दैट determine the center of the circle circumscribing the triangle। ठीक है, अच्छा जी, लेट हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट जी एक्स कॉमा वाई बी दी सेंटर ऑफ दी सर्किल सर्कम स्क्राइबिंग दी ट्रायंगल। ठीक है, हियर ए जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू बी जी। ठीक है, हियर ए जी बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है, इक्वल है बी से जी के डिस्टेंस के, और वो इक्वल है आपके पास सी से जी तक के डिस्टेंस के, और वो इक्वल है आपके पास किसके रेडियस आर। ठीक है, बिकॉज ए से जी दैट इज रेडियस आल्सो बी रेडियस, और जी से सी भी आपके पास क्या है रेडियस आर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने यहां पर बेसिकली कंडीशन बना ली अपनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से जी को इक्वल रखेंगे बी से जी के साथ। ठीक है, और उसे सोल्व कर वहां से हम ये इक्वेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बी से जी को सी से जी के साथ इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे, और वहां से अपनी सेकंड इक्वेशन को हम जो है वो जनरेट कर लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो एक्स और वाई फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है सेंटर सर्कम सेंटर फाइंड करना है, तो बेसिकली एक्स कॉमा वाई है जो आपके पास अननोन है। ठीक है, दो अननोन है, एक अननोन आपके पास एक्स है और दूसरा अननोन आपके पास वाई है। इट मींस दैट कि दो अननोन को फाइंड करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी बनकर, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है तो सेंटर ऑफ दी सर्किल जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाएगा इन वर्टिसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं कंसिडर, अब हम यहां से कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ए से जी जो है वो इक्वल है बी से जी के। ठीक है, अब इनके दरमियान जो है हम जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि हम ए को कह रहे हैं एक्स वन वाई वन और जी को हम कह रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, इट मींस दैट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें यहां पर पॉइंट जो है वो सब्सिट्यूट करवाने हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के। ठीक है, जो आपको गिवन कर दिए गए हैं, अब यहां पर आप सब्सिट्यूट करवाएं तो देखें क्या होगा, सिचुएशन क्या बनती है। यहां पर आपके पास ये देखिएगा एक्स माइनस एक्स वन और एक्स वन आपके पास है टू, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई वन आपके पास है वन, वाई माइनस वन का स्क्वायर और ये इक्वल है आपके पास एक्स माइनस एक्स टू और एक्स टू आपके पास है फाइव, एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू और वाई टू आपके पास है टू। ठीक है, तो वाई माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, हमें यहां से रूट को खत्म करना है और रूट किस तरीके से खत्म होगा कि अगर हम बोथ साइड पर स्क्वायर को अप्लाई करें, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिलेबल, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स पर आप स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, इस पर क्या है जो है इस पर कुल आपकी जो रिजल्ट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा, देखिए जब मैं यहां पर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहां पर x माइनस टू का स्क्वायर y माइनस वन का स्क्वायर, तो देखिए यहां पर भी आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहां पर राइट हैंड साइड में करते हैं तो यहां पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह से बनकर आनी है, देखिए एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर y माइनस टू का स्क्वायर और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मींस दैट एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर और y माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपको यहां पर फॉर्मूले ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, अप्लाई कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो देखिए क्या बनता है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारे पास के लिए ऊपर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और हम जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, और जो इक्वेशन आपके पास बनकर आएगी वो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनकर आएगी। ठीक है, तो देखिएगा जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x। ठीक है जी, माइनस का 4y। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका यहां का हो जाएगा, देखिए 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29। ठीक हो गया जी, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29। ठीक है, अब क्या करें, आप अपनी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखिए माइनस का 4x प्लस का 10x माइनस का 2y प्लस का 4y प्लस का 5 माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 10x इट मींस दैट 6x।
ठीक है, माइनस का 2y प्लस का 4y, इट मींस दैट 2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 5 में से 29 गया, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया 24, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए कॉमन निकलना है यहां पर आपको, ठीक है, कॉमन निकालना है यहां से आप 3 को, तो ये आपके पास आ गया 2x, ठीक है, सॉरी यहां पर हम 3 नहीं, यहां पर हम कॉमन निकालेंगे 2, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3x बाय माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने 3 को 2 कॉमन निकाला, 6 2 12 24, मैं 2 यहां से कॉमन निकालूंगा तो यहां पर आ गया 3x प्लस का y माइनस का 12, 2 मल्टीप्लाई और यहां पर आके डिवाइड, तो इट मींस दैट 3x प्लस का y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 3x प्लस का y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जिसे हम यहां लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमें यहां से वोट को रिमूव करवाना होगा, 3x प्लस y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हम आल्सो कंसीडर, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं जी कि a से g जो है वो इक्वल है c टू g के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो है a से g को इक्वल रख लें b से g के, a से g को इक्वल रख लें c से g के, या b से g को रख लें c से g के, ठीक है, तो जिस जो आपको इजी लगता है आप वैसा काम करें, ठीक है। तो हम यहां क्या कर लेते हैं, a से g को इक्वल रख लेते हैं c से g के साथ, ठीक है। अगेन आप यहां पर क्या करें, डिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज करो, ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम यहां पर x1 y1 क्यों यूज कर रहे हैं कि a को हमने कहा हुआ है x1 y1, ठीक है, और c को हमने कहा हुआ है x3 y3, और g जो आपके पास है वो आप कर रहे हैं x और y, ठीक है। इट मींस दैट x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर x1 y1 x3 y3 के पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है, तो x माइनस x1, x1 आपके पास जो है वो अगेन 2 है इसका स्क्वायर, और y1 जो है वो आपके पास है 1, और इस पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x3 आपके पास है 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3, और y3 आपके पास है 3, 4, और इस पर क्या जाएगा स्क्वायर, ये x3 3 है और y3 आपके पास 4 है, यहां 3 आ गया और यहां पर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, टेकिंग अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप दोबारा से इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, स्क्वायर अप्लाई करने से आपके क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगेन वहां से जो है वो रूट जो है वहां से कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, जिसे आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, वो फिर आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो हमने बेसिकली करना भी यही है कि हमने सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी जिन्हें हम फर्दर सोल्व करके वहां से एक्स और वाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप बोथ साइड्स पर क्या कर दें, स्क्वायर अप्लाई करें, तो स्क्वायर अप्लाई करने से आपकी क्या न्यू सिचुएशन बनती है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, अगेन आप स्क्वायर अप्लाई करें, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, और इस पर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि जरा स्क्वायर से अगेन कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मींस दैट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, सॉरी प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, ठीक है जी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8
y और प्लस का 16 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दें और फिर जो है न्यू फॉर्म क्रिएट होकर आ जाएगी आपके पास। तो देखिए मैं थोड़ा सा पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y 5, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x 8y 9 प्लस का 16, इट मींस दैट दैट इज द 25। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इट मींस दैट माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, ठीक है। आपकी राइट लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करवाएं, इट मींस दैट 6x माइनस का 2y प्लस का 8y प्लस का 5 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। दोबारा से देखिए माइनस का 4x के माइनस का यहां पर आके प्लस का हो गया, माइनस का 2y माइनस का था लेफ्ट पर प्लस में हो गया, प्लस का 5 प्लस का था माइनस में हो गया, ठीक है। तो देखें 2x ठीक है माइनस 2y प्लस 8y प्लस का 6y ठीक है माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4x प्लस 6x 2x माइनस 2y प्लस 8y 6y 5 माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां देखिए नजर आ रहा है कि अगर आप यहां से 2 को कॉमन निकाल लें तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं तो मैं जो ये वो रिजल्ट क्या मिलते हैं, 2 कॉमन निकालने से देखिए यहां x आ जाता है, यहां पर 3y आ जाता है और यहां पर 10 आ जाता है, ठीक है। फर्दर देखिए जी x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दैट डिवाइडेड बाय 2, इट मींस दैट x 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मैं इसे लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे पास, असल में यहां स्पेस थोड़ा कम है तो मैं उसे इसलिए यहां पर ताकि इक्वेशन हमें याद रहे, हमें फर्दर काम क्या करना है इस पर, ठीक है। आप देखिए क्लोज होते जा रहे हैं अपने आंसर, ठीक है बहुत करीब पहुंचे हैं। और इसके बाद हमें ये करना है कि हमें दो बेसिकली हमने अपनी कंडीशंस को यूज कर कर वहां से जो है वो दो अपनी इक्वेशंस फाइंड की और दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और लीनियर फॉर्म आपको क्रिएट होकर मिली है, ठीक है। अब आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, और जहां से एक्स और वाई को फाइंड करना है, जो एक्स और वाई आपके पास आएगा बेसिकली वो आपका सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। देखिए जी क्या करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं तो ये 3x और ये 4y सॉरी ये y माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आप x के कोएफिशिएंट को चेक करें दैट इज 3 बट दी y की कोएफिशिएंट दैट इज 1, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड इक्वेशन में आते हैं तो वहां पर आपको x का कोएफिशिएंट 1 मिलता है लेकिन y का कोएफिशिएंट आपको 3 मिलता है, ठीक है। तो अब आप ये करेंगे, अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप x को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं या y को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आप y को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो आप ये करेंगे कि आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ और उसको सबट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 3, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 से आपको क्या करवा दें सबट्रैक्ट करवाए। तो देखिए क्या बनता है, पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 9x प्लस का 3y माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन है x 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स आपने सबट्रैक्ट करवा दिया, साइन चेंज, ठीक है, ये देखिएगा कैंसिल, 9x माइनस का x दैट इज 8x माइनस का 36 प्लस का 10, तो ये आपके पास बन कराया था माइनस का 26 दैट इज इक्वल टू 0 और 8x इज इक्वल टू 26, ठीक है। फर्दर आप इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, ये आपके पास सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो देखिएगा पर अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 8, 2 13
26, it means that x आपके पास आ गया 13/4. x आपके पास कितना आ गया 13/4, हम इसे यहां लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी बात की जरूरत पड़ेगी 13/4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। जरूरी नहीं है 1 में पुट करें, आप इसको 2 में पुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 में पुट करवा देते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको आप सब्स्टिट्यूट करवाएं तो 3x आपके पास है 13/4 प्लस का y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 13 3 39 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करें, इसे शिफ्ट करते राइट हैंड साइड पर, बिजा के पास जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस का 39 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फर्दर आप इसे सिंपलीफाई करें, ठीक है, तो देखिए आपके पास रिजल्ट बनकर क्या आता है। इसके अलावा तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो देखिए क्या बनता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एलसीएम ले लें 48 माइनस का 39, ठीक है, 48 माइनस का 39 और y यहां से आपको मिल जाता है, देखें जी 48 में से आप 39 को माइनस करें तो ये आपके पास आ गया 48 माइनस 39 दैट इज जो है 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आ गया रिजल्ट 5 का, ठीक है। इसे मैं इस बॉक्स में बंद कर देता हूं, बोलते यहां लिख भी देता हूं ताकि मुझे याद है ये y इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने यहां से जो सर्कम सेंटर है बेसिकली वो कैलकुलेट कर लिया। आपका सर्कम सेंटर जो यहां बेसिकली बन कर आता है वो ये आता है 13/4 एंड 9/4, ठीक है, ये आपका सर्कम सेंटर है, ठीक है। जो क्वेश्चन में फर्स्ट रिस्पेक्ट जो आपको पूछी गई थी सर्कम सेंटर की रिस्पेक्ट से वो आपने फाइंड कर ली, ठीक है। आपको सेकंड क्या करना है, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको रेडियस देखिए आपको क्या है, आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, अब उस सर्कम सर्किल का आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, आप किसी भी दो पॉइंट्स का ना डिस्टेंस ले लें, ए से जी, बी से जी या सी से जी, ठीक है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, उस सर्कम सर्किल का रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लें, चलिए नाउ 4 रेडियस आर, रेडियस आर आप यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब यहां पर हम जब रेडियस आर कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हमें जो है पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जो रेडियस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बेसिकली वो ए और जी के दरमियान करना चाह रहा हूं, तो ए जो है बेसिकली मेरे पास है ए इज इक्वल टू x1, y1 और वो हमारे पास था 2, 1, ठीक है। और जी जो हमारे पास था जो भी हमने कैलकुलेट किया और वो हमारे पास आया x, y और उसका रिजल्ट हमारे पास था 13/4 और 9/4, ठीक है। बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करें अगेन आप, तो वो आपके पास बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा देखिए, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से कि d जो है वो इक्वल है a से g डिस्टेंस ऑफ a टू g और ये फर्दर आपके पास इक्वल है r के अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हम उसकी रिस्पेक्ट से बनाते हैं, ठीक है, x माइनस x1 का स्क्वायर और y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ आपने इसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करवाना है और अपना रिजल्ट लेकर आ जाना, ठीक है। तो देखिए अब जरा क्या हो रहा है, x क्या है आपके पास 13/4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस बेसिकली आपके पास आ जाता है 4 13 माइनस
एट का स्क्वायर प्लस फोर नाइन माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो आर आपके पास आ जाता है 30 माइनस एट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 5 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मैं यहां पर चलिए इसे रिमूव कर देता हूं, ठीक है, देखिए अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास यहां पर। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनकर आती है, R is equal to 5 का स्क्वायर, what is this? 25, 4 का स्क्वायर, it is 16, again 25 plus 16, ठीक है, तो ये आपके पास बनकर आता है 25 plus 25 divided by 16, हमें LCM 16 दिया और 25 plus 25, R is equal to 50 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, R इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज योर रेडियस, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट की, रेडियस भी कैलकुलेट किया और सर्कम सेंटर भी हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब हम इन चीजों को लिख करके दिखा देते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स of the circum center is 5 under root 2 divided by 4 and the radius is and radius of circum circle is and the radius of the circumcircle is, so आपने कैलकुलेट किया 5 under root 2 divided by 4, that is your answer, ठीक है। अब देखते हैं next question, ये बेटा next question आपके पास है, कह रहा है show that for all values of theta the distance between the point, एक point आपके पास है x comma y और दूसरा पॉइंट आपके पास है x plus new cos theta comma y plus new sin theta is new, ठीक है। कह रहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस निकालें तो आपके पास न्यू आना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसके दरमियान छोटी सी डायग्राम भी बना लें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। देखिए एक ये आपके पास एक पॉइंट ए है जिसे आप कह रहे हैं x comma y और दूसरे पॉइंट जो है वो आपके पास बी है जिसे आप कह रहे हैं x plus new cos theta comma y plus new sin theta, ठीक है जी। ये आपके पास पॉइंट है और वो ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बेसिकली न्यू बनकर आता है, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन की थीम है, ठीक है। अब आपने इसे सोल्व करना है और देखना है कि क्या आपके पास वो आता है कि नहीं आता, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, वो सोल्व करते हैं, इससे हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। देखें जी ए जो है बेसिकली वो आपके पास है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, और वो आपके पास इक्वल किसके है x कॉमा y के, ठीक है। और b जो है वो आपके पास है x2 कॉमा y2 और वो आपके पास बेसिकली इक्वल है x प्लस न्यू cos थीटा कॉमा y प्लस न्यू sin थीटा, ठीक है। असल में मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। और a से b का जो डिस्टेंस है वो उसने कहा कि वो आपके पास कितना आएगा, न्यू आएगा, ये कह रहा है कि ये न्यू के इक्वल आना है, ठीक है। तो देखिए जी नाउ दो पॉइंट्स का रहना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नाउ आई यूजिंग दी बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन डी एफ सी सब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन डी ऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा जी d आपके पास है बेसिकली a से b तक का डिस्टेंस, ठीक है।
वो आपके पास ये रहा और ये इक्वल है आपके पास किसके। देखिए जी x2 इज x प्लस न्यू कॉस थीटा, x प्लस न्यू कॉस थीटा माइनस माइनस x1 दैट इज x का स्क्वायर प्लस y2, y2 आपके पास है y प्लस न्यू साइन थीटा माइनस कहां से आया फॉर्मूले का, और y1 आपके पास है y और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा चेक करें, देखें x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनकर आई आपके पास, आपके पास जो सिचुएशन बनकर आई है वो कुछ इस तरीके से आ गई कि a से b तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है इसके न्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, न्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस न्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास बनकर आ जाता है वो आ जाता है आप स्क्वायरिंग करना इस पर, ठीक है। तो आपके पास बनेगा न्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहां से न्यू को न्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो न्यू स्क्वायर हम यहां से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, न्यू स्क्वायर यहां से कॉमन निकाले कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें पता है आइडेंटिटी होती है कि कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बात एक ही हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो जाता है, वहां पर रिप्लेस करवाना होगा इसकी जगह पर, ठीक है। ए से बी इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज वन, ठीक है। अब तो वन से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स दैट वहां से तो आपको जो है वो न्यू स्क्वायर ही मिलने वाला है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या आ गया, न्यू, जो आपको लेकर ही आना था, दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक्सरसाइज की 2.1, ठीक है, जिसपे हमने बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ये आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बीच में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें आप कोशिश करें खुद सॉल्व करें, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं उनकी हेल्प से आप पहले उन्हें देखें, उन्हें सीखें, उन्हें उन पर जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर आप इसके बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपसे तमाम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 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 आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है या किसी क्वेश्चन में कोई इश्यू क्रिएट होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हमें कॉमेंट्स करें, ठीक है। हमारी वीडियो पर जो है कॉमेंट्स का ऑप्शन होता है उस पर आप कॉमेंट्स करें, ठीक है, हम आपको उसके हवाले से गाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आज का लास्ट लेक्चर था चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का। अब जो हमारा क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड होगा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।